चर्चाएं खास हो तो किससे भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन पर उठती हैं जो मशहूर होते हैं। तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। अब देखो यार, आज हमारे साथ पांडे जी खेल रहे हैं। पांडे जी बोला जाए तो मेरा पक्का दोस्त, शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो प्रिय मित्र। तो हाँ, पांडे लौंडिया तो हम लेके जाएंगे। खैर देखो ये मजाक था, पर अब बात करते हैं इस मैच की। तो यार आज इस मैच में एक ऐसा सीन होगा जो कि मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो हाँ, वो सीन देख के आपको काफी ज्यादा मजा टाइप का आएगा, पर वो थोड़ा आगे जाके होंगे। पर फिलहाल हम उतरे हैं गोरे गोपाल और यहाँ पे एक दो सकौट उतरी है, तो उतरते ही मेरे को गन मिल जाती तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ और देखो फिर क्या होगा। अब यार पता नहीं यहाँ पे एम को क्या हो जाता है, पढ़े नहीं रहता ढंग से, लेकिन जैसे तैसे इस बंदे को मैंने निपटा दिया। पर तभी इसके दूसरे बंदे की फुर्सत आती है। इज एम आर गुड सुड, साले बना दूंगा तुझे रॉबिन हुड। चाचा मौली लेके रस कर रहे हैं यार, इतना भी कमजोर नहीं हूं मैं। खैर ये देखो आप, अब यार जैसे ही मेरे मुंह में बम फूटता है मेरी फट के चार हो जाती है। तो मैं पांडे जी से बोलता हूँ भैया पट्टी दो, लेकिन पांडे जी के पास भी कुछ नहीं होता। तो मैं बोलता हूँ भागो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन पांडे जी पता नहीं क्यों वहाँ पर रुक जाते हैं और फिर देखो क्या होगा। हर ठेले पे मिल रहा है 20 रुपए दर्जन केला और अब फौजी फिर से हो गया है अकेला। तो भैया सीन ये है, पांडे जी की पेटी बन जाती है और अब मैं कल जैसे दोबारा अकेला हो गया हूँ। तो यहाँ से ये मैच बहुत ज्यादा इंटेंस देखने को मिलेगा। पर फिलहाल देखो यहाँ पे मैं स्टीम की पेटी बना देता हूँ और साथ ही एक ही सपने में एक बोर्ड दादा को भी निपटा देता हूँ। तो इस बात के लिए एक लाइक हो जाना चाहिए। और आपने ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन जब इस लास्ट बंदे को मैं मारने आया था तब मेरे ऊपर कोई पीछे से AKM चला रहा था, तो अब उसको पकड़ने की बारी। तो मैं यहाँ आता हूँ और देखो क्या होगा। टाइगर कौन है ये? BMB है टाइगर। बेटा मारूंगा 10, गिनूंगा 1, यकीन ना हो तो उंगली करके देख। तो यार इनकी पेटी बना देता हूँ और इसी के साथ गोरे गोपाल पूरा खाली हो जाता है। तो मैं फटाफट लूटलाट करके यहाँ से गैराज की तरफ पैदल पैदल निकलने लगता हूँ, लेकिन तभी रास्ते में ये होता है। तो आगे कोई बंदा उजी से बोर्ड दादा के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तो मैं फटाक से यहाँ आता हूँ और देखो फिर। बोट हो या बंदा, मारेंगे सबको बहुत गंदा। खैर नाम से तो ये बंदा ही लग रहा था, अब कमेंट में बताओ यार बंदा था या नहीं। पर फिलहाल यहाँ से मैं निकलता हूँ और पैदल पैदल बहुत दूर चलने के बाद मुझे गाड़ी मिलती है। तो मैं गाड़ी लेके पोचंकी की तरफ जा ही रहा था, लेकिन तभी मुझे यहाँ एक बंदा दिखता है और अब देखो क्या होगा। अब जैसे ये बंदा मेरे ऊपर बम बबूरा फेंकता तो मुझे खिड़की के पास एक बंदा दिखता है, तो मैं भी एक चिमनी फेंकता हूँ और देखो फिर। और अब एक लास्ट बंदा बचा है जो कि घर के पीछे चला जाता है, तो पकड़ते हैं उसे भी।
आगे हो या पीछे, फौजी M416 से सबकी जवान खींचे। तो यार यहाँ पर फाइनली इन बंदों की भी मैं पेटी बना देता हूँ और सस्ती शायरी के लिए क्षमा याचना, पर काम चला लो आगे मिलेगा डोज। पर फिलहाल देखो मैं इनकी पेटी लूट के पोचंकी की तरफ जाता हूँ, लेकिन यार पोचंकी में कोई भी नहीं मिलता तो मैं वापस स्कूल की तरफ जाता हूँ। और जैसे ही यहाँ आता हूँ तो मुझे ठीक सामने एक गाड़ी दिखती है जो कि अब भी स्कूल में गई है, और अब वहाँ से गोलियों की आवाज आ रही है। इसका मतलब दो टीम के बीच में आपस में मुठभेड़ हो गई है, तो हम भी इन्वॉल्व होते हैं और देखो क्या होगा। सारी दुनिया कुछ भी बोले, मैंने काम किया मनमौजी का, इश्क किया और धोखा खाया, फिर फैन बना हूँ फौजी का। और यार ये डायलॉग हमारे एक सब्सक्राइबर मनोज प्रजापति ने हमें भेजी थी, तो भैया धन्यवाद दिल से। पर फिलहाल देखो यार इन दोनों टीम की मैं पेटी बना देता हूँ, लेकिन तभी ये सीन होता है। और मुझे लग ही रहा था कि अभी कोई और बाकी है, और तभी बड़ी वाली बिल्डिंग से बोट फायर आता है, तो मैं डायरेक्ट इस बिल्डिंग में जाता हूँ। लेकिन यार मुझे लग रहा था कि वो बंदे ऊपर कैंप कर रहे हैं और बिल्कुल भी फुटस्टेप नहीं दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक स्मोक करता हूँ और स्मोक के द्वारा एपीपी में घुसेंगे, लेकिन देखो क्या होगा। तो यार इस बिल्डिंग में भी कोई नहीं होता, यानी कि सामने वाली बिल्डिंग में बैठा है या फिर कहीं और है, तो मैं यार निंजा टेक्निक करने की कोशिश करता हूँ और देखो अब क्या होगा। हम पहले भी पबजी खेलते थे और आज भी पबजी खेलते हैं, तेरे जैसे लौंडों को हम निंजा टेक्निक से पेलते हैं। और फाइनली भैया इस बोट फायर वाले बंदे की भी मैं पेटी बना देता हूँ, तो अब स्कूल में कोई भी नहीं बचा है। लेकिन यार अब जो सीन होने वाला है वो काल्पनिक घटना में आधारित होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि हाँ ये सीन आपने आज के पहले कभी नहीं देखा होगा, तो काल्पनिक नहीं महाकाल्पनिक है, देखो यार आप भी। Watch out. कितना तगड़ा कर क्यों लगा वो अच्छा, उसके नखरे हजार थे, मैं तो पांचवा था, उसके पहले से चार थे। और यार यहाँ पे भैया चार बंदे अलग अलग गाड़ी से एक ही समय में रस कर देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको देखने में कैसा फील हुआ, लेकिन हाँ यार जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो भैया धड़कने बहुत तेज हो गई थी यार, एक मिनट में 72 बार धड़कती है मेरी, 76 बार धड़कने लग रही, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो हाँ इस क्लच के लिए सब्सक्राइब तो बनता है यार, तो प्लीज दबा दो लाल बटन को और साथ ही शेयर भी कर देना भैया अगर आपने पहली बार देखा हो तो। खैर यहाँ पे केल हो जाते हैं 17 और कंटेंट में हो जाता है खतरा, तो भैया यहाँ पे मैं जानबूझ के इस बंदे को मारता हूँ जिससे 18 केल हो जाए। और इसको मारने के बाद ऊपर की तरफ जाता हूँ, क्योंकि वो बंदा भैया ऊपर से गोलियां चलाए जा रहा था, मैं रस तो कर देता हूँ। लेकिन यार डर भी लग रहा था कि भैया तीन को मार दिए, चौथे से ले लिए तो बहुत गंदी बेइज्जती हो जाएगी यार, लेकिन देखो अब क्या होगा। भाई मान गए।
गांव का हूँ छोरा और बेटा हमसे नॉलेज, क्योंकि फौजी नाम छे मोरा। तो भैया ये थोड़ी गुजराती और थोड़ी बुंदेली मिक्स में है। तो यार इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल में ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते इंस्टा में फॉलो करते जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपसे एक बात कहूंगा, गलती एक कायर की तरह होती है, औरों की तो हमें दिखती है लेकिन खुद की नहीं। तो अगर कायर नहीं बनना है तो खुद की गलती देखो, खुद से लड़ोगे तभी जीतोगे। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।